और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस और जेडीएस के 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद से कर्नाटक में शुरू हुआ सियासी संकट जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने में इस मामले पर सुनवाई जारी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में दलील दी है कि बागी विधायकों ने किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से दखल के लिए कहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फटकार लगाते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को चुनौती दे रहे हैं। और कोर्ट मामले की सुनवाई अब जो है अगले मंगलवार को होगी कर्नाटक मामले की। तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी उसकी चुनी हुई सरकार को गिरा रही है, जबकि बीजेपी ऐसा कभी नहीं करती है। बीजेपी जो भी करती है अच्छा करती है। बीजेपी बुरी होती तो कांग्रेस के इतने विधायक या सांसद उस पार्टी में जाकर पुनर्जीवन को प्राप्त नहीं कर रहे होते। हाँ, और येदुरप्पा जी नहीं कहते कि हम सन्यासी नहीं है जो बैठे रहें और सब देखते रहें। बताइए, मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा था, येदुरप्पा जी कह रहे हम सन्यासी नहीं है। खैर, वो ज्यादा समझते होंगे कि वो क्या है। नमस्कार, अगर आप लोग कर्नाटक में चल रहे सियासी ड्रामे को अगर ढंग से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको एक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि पॉलिटिक्स में अगर किसी का नुकसान होता है वो हमारा और आपका होता है, यानी कि पब्लिक का होता है। और इस वीडियो में मैं आपको कई पॉइंट्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा पूरा ड्रामा है क्या कर्नाटक का, और उन सभी पॉइंट्स के साथ मेरा एक ऑब्जर्वेशन होगा जिसके साथ आप एक ताल्लुक रखने वाले हैं। और इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिशियंस की जो नीयत है उसको आप बखूबी समझेंगे इस ऑब्जर्वेशन इन पॉइंट्स के बाद। चलिए सिलसिले को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ठीक जनरल इलेक्शन 2019 से एक साल पहले 2018 में कर्नाटक में स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे, जिसमें रिजल्ट जो रहा था वहां की पब्लिक ने किसी को भी क्लियर मैंडेट नहीं दिया। बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीट्स मिली थी। और वहां पर सरकार बनाने के लिए कम से कम आपके पास 113 सीट्स होनी चाहिए, तब जाकर के आप एक गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। सारी सियासत यहां से शुरू होती है। और आपको यहां पर एक बात को ध्यान रखना होगा, हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन अगर रहा था वो है कर्नाटका का, जिसमें सभी पार्टियों ने मिलकर के 10,500 करोड़ रुपए खर्चे थे। अब मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के पास 104 सीट्स थी, तो वहां के गवर्नर ने बीजेपी को इनवाइट किया कि वो आकर के अपनी मेजोरिटी को प्रूव करें और अपनी सरकार बना ले जाएं। लेकिन जब पार्लियामेंट में फ्लोर टेस्ट का वक्त आया तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो थे वो येदुरप्पा अपनी मेजोरिटी को साबित नहीं कर पाए, और वो अपनी इमोशनल स्पीच में उन्होंने दो इशारे, बहुत बड़े इशारे किए जिसको आपको भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस और जेडीएस को बधाई देते हैं कि वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अब साथ ही उन्होंने दूसरा जो इशारा किया था वो ये था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये सरकार पूरे 5 साल तक अपना पूरा टेन्योर पूरा कर सकेगा, और उन्होंने कहा था हो सकता है कि अगले साल हम सत्ता में आ जाएं। दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस बीजेपी को हर हालत में रोकना चाहती थी। अब कांग्रेस पार्टी ने जेडीएस के साथ उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर सरकार बना ली। कांग्रेस का त्याग इतना था कि उनकी सीट बहुत ज्यादा थी जेडीएस के मुकाबले, लेकिन उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो यही थी कि उनकी पार्टी का ही सीएम बनेगा। तो सीएम के जो बने कर्नाटक के वो थे एचडी कुमार स्वामी। अब यहां पर आपको दो बात को ऑब्जर्व करना था जो अब हो सकता कि मेरी इस बात से ताल्लुक भी रखें कि पहला कि इलेक्शन जीतने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, बहुत ज्यादा आपको खर्च करना होता है, और हमारी उम्मीद होती है कि ये लोग पैसे को पानी की तरह बहाते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये लोग विकास भी करेंगे, जो जायज बात नहीं है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि येदुरप्पा ने पहले ही सिग्नल दे दिया था कि 2019 इलेक्शन के तुरंत बाद ही कर्नाटक में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, इसके कयास भी लगाए जा रहे थे। अगर यही कोशिश बीजेपी लोकसभा इलेक्शन से पहले करती तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती थी, जो नहीं हुई। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स की, जो इनका जो अलायंस के साथ जो प्रॉब्लम था वो शुरुआत से ही था। शुरुआत से इनके जो मतभेद थे वो मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए थे। कांग्रेस जेडीएस ने मजबूरी में गठबंधन किया था, जो गठबंधन की नीयत सही नहीं थी। दोनों पार्टियों का जो एक मकसद था वो था कर्नाटक में सरकार बनाना था ही नहीं, बल्कि वो चाहते थे कि बस भाजपा की सरकार को वहां बनने से रोका जाए। इसलिए दोनों पार्टियों ने चुनाव को अलग अलग लड़ा। अलायंस के बाद कांग्रेस जेडीएस ने सरकार बनाई। अब मिनिस्ट्री से लेकर के डिपार्टमेंट मिलने तक दोनों पार्टियों में अनबन बना रहा, तनातनी रही। अब कर्नाटक के एक मिनिस्टर ने कहा था कि सिद्धारमैया कांग्रेस के फॉर्मर सीएम थे, उन्होंने कहा था कि वही मेरे मुख्यमंत्री हैं और मैं किसी और को उस पद पर कल्पना नहीं कर सकता हूं। अब देखिए, सिंपल सी बात है, इस बात का कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी को बात बुरी लगी है। अब जिस सरकार में आप मंत्री हैं, अब उसी के मुख्यमंत्री को आप मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, ये जाहिर सी बात है, इससे ज्यादा गलत और क्या हो सकता है। अब इस स्टेटमेंट के बाद सिद्धारमैया ने भी अपने एमएलए को डांटा नहीं, समझाया नहीं, कुछ बोला नहीं।
साथ ही उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने स्टेटमेंट ये दी थी कि अगर वो और 5 साल मुख्यमंत्री रहते तो डेवलपमेंट की पूरी झड़ी वो लगा देते। अब इस पर कुमार स्वामी जो कर्नाटक के सीएम है उन्होंने साफ कह दिया था कि कांग्रेस के विधायक अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं और उन्होंने यहां तक मुख्यमंत्री पद तक छोड़ने की धमकी दे दी थी। अब कांग्रेस के फॉर्मर सीएम सिद्धारमैया ने अपने पार्टी सपोर्टर से यहां तक कहने लगे थे, वो नहीं चूके थे कि अगर आप लोग चाहें तो वह फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब कई लोगों ने उनको कैलकुलेशन भी समझा दी कि अगर हम लोग ये चीज करेंगे तो आप सीएम पक्का बनेंगे, ये आपको चेंजेस करने होंगे। अब इतनी सारी कंट्रोवर्सी को मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, अभी पूरी सारी की सारी कंट्रोवर्सी को मीडिया बखूबे मिर्च मसाले के साथ रिपोर्ट कर रहा था। प्राइम टाइम शो किए जा रहे थे, कई सारे डिबेट किए जा रहे थे क्योंकि 2019 इलेक्शन के लिए एक माहौल बनाना था। अब HD कुमार स्वामी एक रैली में वो बोलते हैं कि उनके बारे में मीडिया में लगातार जो कहा जा रहा है कि ये मेरा मुख्यमंत्री की तरह आखिरी दिन है, मेरे बारे में कई सारी गलत खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक वीडियो को जारी किया था और उस वीडियो को आ जाने के बाद बिल्कुल साफ हो गया था कि जो अलायंस की जो सरकार है इसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और देखते ही देखते आज ये स्थिति पनप गई कि 14 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब साफ हो गया कि कांग्रेस और JDS मेजोरिटी में नहीं होने वाली। यहां पर ऑब्जर्वेशन ये है कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि खुद सिद्धारमैया ने ही इस सरकार को गिराना चाहते थे इस अलायंस के बाद भी, जो अब तक होता आ रहा है सबको नजर आ रहा है। अब कर्नाटक में आए सियासी संकट के बाद जब डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल बेंगलोर पहुंचते हैं, वहां पर भी कांग्रेस के फॉर्मर सीएम सिद्धारमैया कहते हैं कि JDS से संबंध तोड़ लिया जाए। अब देखिए यहां पर तो ये बात है, अब यहां पर कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ जाती थी। अब इस अलायंस का जो आखिरी रास्ता यही था कि कांग्रेस की ओर से कर्नाटक की राजनीति में हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस किया जाना चाहिए था, लेकिन खुद राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कर्नाटक में कांग्रेस को कौन समझाएगा, जिसका फायदा BJP को कर्नाटक में सत्ता मिलने के बाद मिल सकता है। अब बात करते हैं कि एट प्रेजेंट वहां की सिचुएशन क्या है, वहां का गणित क्या बोलता है। इस्तीफा देने पे अड़े विधायक किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं और कांग्रेस अपने विधायकों को समझाने में लगी है और वहीं कुमार स्वामी अपने विधायकों को मनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि वो अपने लुभावने ऑफर तक देने लगे हैं। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने वाले अपने 3 विधायकों को मंत्री पद का भी ऑफर देते हुए पार्टी में वापस लाने की कोशिश की है। अब देखिए कुमार स्वामी की एक परंपरा रही है, रूठे को अगर मनाना है तो उसको एक ऐसा ऑफर दो जिसको वो मना भी ना कर पाए। 2000 लोकसभा इलेक्शन से पहले जब 2 निर्दलीय विधायक जो H. नागेश और R. शंकर ने पार्टी से अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया था, उसी वक्त कुमार स्वामी ने लालच दे करके उन्हें वापस बुला लिया और साथ ही उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी शामिल कर लिया गया। लेकिन आज क्या हुआ, नागेश ने कुमार स्वामी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और उधर जाकर भाजपा को अपना समर्थन भी दे दिया। अब इस पॉइंट में ऑब्जर्वेशन क्या है, ये बात हम और आप मिलकर के बचपन में सुनते आए हैं कि लालच करना बहुत बुरा है और लालच देना भी, दोनों चीज बुरी है। वही कुमार स्वामी को भी यह समझना चाहिए था कि अगर कोई लालच देने से आपके पास आ सकता है तो वह दूसरे के पास भी जा सकता है। तो कुमार स्वामी को यहां पर MLA को अपने कॉन्फिडेंस में लेना था, अपने विश्वास में लेना था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और BJP परमहंस तो है नहीं, वो भी पूरी कोशिश कर रही होगी ये अलायंस टूटे। अब आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करने से पहले आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये अलायंस की सरकार चल क्यों नहीं पाती है, क्या वजह है और हिस्ट्री में भी क्या क्या हुआ, इतिहास में क्या क्या हुआ है। अगर पास्ट में देखें तो कांग्रेस का अलायंस के मामले में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा नहीं रहा है। अब कांग्रेस ने अलायंस की सरकार को समर्थन देने और फिर बाद में अपनी मर्जी से उसको गिरा देने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसा खेल वो खेलते आए हैं। वहीं 1989, 1990 में, 96 में, 97, 98, 99 और 2004-2009 में अलग अलग पार्टी की ओर से गठबंधन सरकारों का गठन किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 5 साल का टेन्योर पूरा हो सके ऐसी कोई सरकार नहीं थी, सिवाय अटल बिहारी वाजपेयी की NDA 1 की सरकार थी जो 6 साल तक सत्ता में रही। अब सवाल यह है कि जो गठबंधन की सरकार है, जो अलायंस की सरकार है, वो फेल क्यों हो जाती हैं? आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है कि ये अनस्टेबल होती हैं और इनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है, दल बदल आमतौर पर वहां होता रहता है। भारत में अलायंस अनस्टेबल ज्यादा रहता है क्योंकि
सत्ताधारी दल को सहयोगी दलों की जरूरत का ध्यान रखना पड़ता है और अलायंस सरकार को चलाना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की क्षमता पर भी निर्भर करता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सेंटर हो या स्टेट, जितने भी गठबंधन की भी कोई भी सरकार तभी कामयाब होगी जब उसका जो नेतृत्व है वो किसी राष्ट्रीय दल की ओर से किया जाएगा जो इसे जोड़ने वाली शक्ति के रूप में काम करेगा। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि राजनीतिक दल केवल सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आ जाते हैं और यही उन्हें जोड़े रखने वाली चीज होती है, जिसे कर्नाटक ने साफ साफ दिखा दिया है और बाकी अलग अलग जगह अलायंसेस होते हैं। अभी सपा और बसपा का जो अलायंस है वो भी एक परफेक्ट एग्जांपल इसका बन जाता है। अब चलते चलते बात कर लेते हैं कि अब कर्नाटक में क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें चार चीजें हो सकती हैं। पहला, कांग्रेस और जेडीएस का जो अलायंस है वो सर्वाइव कर सकता है। अब जिन लोगों ने रिजाइन किया है उसमें से कुछ को वापस बुलाया जा सकता है लालच दे करके या फिर और दूसरे तरीके से। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिवर्स प्रोसेस भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह है रिवर्स प्रोसेस में बीजेपी की साइड से कोशिश की जाएगी कि 5 से 6 एमएलए अपनी तरफ ले लिए जाए बाय हुक और क्रुक। दूसरा सिनेरियो यह कहता है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, वो तब बन सकती है जब स्पीकर ने रेजिग्नेशन जितने भी एमएलए हैं जितने विधायक हैं उनका अप्रूव कर दिया तो, क्योंकि देखिए मेजोरिटी की जो कैलकुलेशन है इस अप्रूवल के बाद पूरी चेंज हो जाती है। जो 113 वाला नंबर था वो घट करके 106 सीट पर आ जाएगा और बीजेपी के पास इस समय 104 सीटें हैं, वो 2 इंडिपेंडेंट को अपने साथ लेगी और हो सकता है बीएसपी को लेकर के भी वो सत्ता बना सके। तीसरी बात यह हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद स्पीकर अगर रेजिग्नेशन जानबूझ करके अप्रूव नहीं करता यानी कि एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको फ्लोर टेस्ट भी कराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। चौथी बात यह भी हो सकती है कि अगर दोनों पार्टी को मेजोरिटी हासिल नहीं होती है तो गवर्नर एक प्रेसिडेंट रूल के लिए बोल सकता है। दूसरी बात, कुमार स्वामी को केयर टेकर एज अ सीएम रख सकता है जब तक चुनाव नहीं होते हैं। इसमें तीसरी बात यह भी हो सकती है कि गवर्नर ही स्टेट को देखे। ये 3 सिनेरियो इस तीसरे पॉइंट में चौथे पॉइंट में हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपने देखा कि यहां पर जो सियासी ड्रामा होता है जब चलता रहेगा तो यहां डेवलपमेंट होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी मिनिस्ट्री आपका पूरा डिपार्टमेंट एक तरफ सरकार बचाने की कोशिश कर रहा है और आप किसी भी तरह की पॉलिसी किसी भी तरह का आप विकास का कार्य नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें देश का पैसा नुकसान तो होता ही होता है, देश की जनता का टाइम भी बर्बाद होता है और आपका भी पैसा बर्बाद होता है। कुल मिलाकर के जो कुछ कर्नाटक में हो रहा है इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी होगी, हमें आपको या पॉलिटिकल पार्टी को, यह समझने वाली बात होगी। तो दोस्तों अगर आप चाहें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टा मोजो पे आप 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक आप मुझे दे सकते हैं और वहीं आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें और मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे आपको मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उसको सेव कर लीजिए। जब भी नई वीडियो आती है नोटिफिकेशन अगर आपको कहीं मिस कर देते हैं तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तो मैं लगाता ही हूं तो आप मेरी वीडियो वहां से एक्सेस कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते।